cámara. बहुत बहुत धन्यवाद। अभी
अभी मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, मैं भाई सुदर्शन पूर्व सर्वोच्च मोदी का बोल रहा हूँ, वो अपने विचार रखे। आदर सम्मान के योग्य मेरे बुजुर्गों, शक्ति स्वरूप मेरी माताएं, बहने, नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, कोसली हल्के से आपके अपने बेटे भाई मनोज कोसलिया जी छत्तीस क्रांति के आशीर्वाद से पंचायती उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी आप सभी से पुरजोर गुजारिश है कि भाई मनोज कोसलिया जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से कानवास गांव से जिताकर भेजने का काम करें, क्योंकि भाई मनोज कोसलिया जी आपका बेटा है, आपका भाई है, आप इनको अच्छी तरह से जानते हो, 24 घंटे आपके बीच में रहता है, भाई भी आपको अच्छी तरह से जानता है, हमेशा कानावास गांव में आता जाता ही रहता है। और मैं तो एक बात कहता हूँ, कानावास गांव में और कोसली गांव में कोई फर्क नहीं है, ये हमारा आपसी भाईचारा है, ये कानावास गांव भी हमारा ही है और कोसली गांव भी हमारा ही है। अगर कोसली गांव बड़ा भाई है तो कानावास गांव छोटा भाई के समान है। तो हम सबका इस बात को देखते हुए भी हमारा फर्ज बनता है और आप सबसे ज्यादा अपेक्षा है और बहुत जगह से भाई मनोज कोसलिया को कानावास गांव से ज्यादा आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त होगा। हम जहां भी पूरे हल्के में जा रहे हैं, हर गांव में भाई मनोज जी को बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवा साथियों का साथ मिल रहा है, भरपूर मात्रा में प्यार मिल रहा है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा ये जो भाईचारा है, अगर ये एक हो जाता है तो भाई मनोज को श्रेया को आपके आशीर्वाद से जीतने से कोई नहीं रोक सकता, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। लेकिन इसके लिए हमारे भाईचारे को, जो हमारे 10-15 गांव है, इनको एकजुट होना पड़ेगा और पुरजोर ताकत लगानी पड़ेगी, जीत आपकी जोड़ी में है। आपका बेटा आपके बीच से ही विधायक बनेगा और भाई ये इलेक्शन, भाई मनोज रेंगड़ा जी, ये इलेक्शन आप सब लड़ रहे हो, हल्के की पूरी जनता लड़ रही है। भाई मनोज किसी पार्टी की टिकट का उम्मीदवार नहीं, ये जनता की टिकट का उम्मीदवार है, छत्तीस क्रांति का उम्मीदवार है, पंचायत की उम्मीदवार है। तो मेरी सभी माताओं बहनों और बुजुर्गों से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि आप अपने बेटे अपने भाई को कानावास गांव से ज्यादा वोटों से जिताने का काम करें। ये जीत भाई मनोज को सहयोग न होकर ये पूरी आप सबकी जीत होगी, सबको सहयोग जीत होगी। ज्यादा समय न देते हुए मैं अपने वो नमस्कार जो आपने शांतिपूर्वक मेरी बातों को सुना, अब मैं आपके बीच में हमारे जी है।